हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बेकार ब्लॉग्स में। और आज हम अपने ऑफिस के तरफ से पिकनिक जा रहे हैं, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये है हमारा बस और यह है हमारे साथ हमारे हजारिका गुरु जी। तो बहुत मजा आने वाला है, आप लोग वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, है ना हजारिका गुरु जी? हाँ हाँ हाँ। तो चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं अपना बस और फिर यहाँ से हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलिए फिर। यह है हमारा बस और देखिए आप अभी से गाना स्टार्ट हो चुका है, बहुत मस्ती होने वाला है। तो चलिए हम आपको अभी यहाँ से हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स गो। लेकिन आइए उससे पहले आपको एक झलक बस के अंदर का नजारा दिखा दे। ये रहा बस के अंदर का नजारा। जय बाबा विश्वकर्मा, रेडी हो गया है। आपको बता दूं हम जहाँ जा रहे हैं ये करीबन गुवाहाटी से 150 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहुँच गए जानकबाड़ी। और यहाँ पे ये जो येलो कलर का बना है इसको बोलते हैं फड़ाई। ये है सरायघाट ब्रिज जो कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनाई गई है। और इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था तो उसमें नाइट नज़र आ था और अभी आप दिन में इसको नजर आ रहे हैं। रेल और दोनों ब्रिज है, मतलब नीचे से ट्रेन जाती है और ऊपर से बस ट्रक या जो भी है। अब थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से मंगलदेव पहुँचने वाले हैं जो कि असम के एक अदर डिस्ट्रिक्ट है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डांस हो गया, अब फटाफट से हम ब्रेड बटर और अंडे के साथ केले का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम करीबन 10:30 हो गया। तो ये देखो ये बिकल हो गई तो भी है ये देखो। और इसके बाद फिर हमारी जर्नी पहुंच चुकी है अभी दरंग। और ये दरंग डिस्ट्रिक्ट का सदर थाना है, सदर जो पुलिस स्टेशन है वो है ये। और थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे हजारिका गुरु जी के घर। ये मेरे पीछे हमारे हजारिका गुरु जी का घर है और अभी यहाँ से कुछ सामान हमें लेना था। इनसे मिले ये हमारे मेधी गुरु जी है जो कि पूरे पिकनिक का इंचार्ज हो गए। तो ये हमारे हजारिका गुरु जी का घर है, अभी ऑन कंस्ट्रक्शन पे है। चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं पिकनिक स्पॉट के तरफ। तो लेट्स गो। हम लोग अभी अपने पिकनिक स्पॉट से करीबन 1 घंटे की दूरी पर हैं और ये आप रास्ते का शानदार सा नज़ारा देखते चलिए। और यहाँ पे ये हमारे आगे एक और बस है जो कि उसी पिकनिक स्पॉट पे चल रही है, चलिए उसको फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं करीबन 4 घंटे के जर्नी के बाद
और अब थोड़ी देर में हम लोग अंदर जा रहे हैं पिकनिक स्पॉट के अंदर, है ना हजरिका जी? अभी बहुत सुंदर जगह है, सबको अच्छा ही लगेगा। तो दोस्तों हम अभी फाइनली पहुंच चुके हैं भैरव कुंडा पिकनिक स्पॉट में। आइए आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए ये है हमारा भैरव कुंडा पिकनिक स्पॉट। आप देख रहे हैं ये हमारे पीछे, ये वेलकम टू भैरव कुंडा पिकनिक स्पॉट। तो चलिए अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर का जो नज़ारा है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये है एंट्री गेट जहाँ पे आपको एंट्री फीस 600 रुपये देनी पड़ती है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से वो 600 रुपये बच गए और ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे गुरुजीज। और ये देखिए ये है SSB के द्वारा बनाया गया, यहाँ पे 23वीं SSB की बटालियन है जो वेलकम कर रही है। और ये लोग हैं यहाँ के लोकल वासुंदा जो कि फल फूल बेचते हैं। और सामने आप हमारे अभी थोड़ी देर में देखेंगे ब्रिज जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों देखिए ये है ब्रिज और अभी इस ब्रिज के आप बाएं तरफ हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये लोकेशन, ओह माय डॉग्स, ओह माय गॉड्स। और ये देखिए ये इसके दाहिने तरफ है, आप ये देखिए क्या शानदार नजारा है। मैं जहां तक जूम करके दिखा सकता हूँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये है वो पहाड़ जिसके पीछे अरुणाचल है। और ये जो जगह आपको दिख रही है ये वाली, ये है फायरिंग रेंज जहाँ पे पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आकर फायरिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपना, ये फायरिंग रेंज है। और आप ये देखिए, और ब्रिज अब पार करने वाले हैं और इसके साथ हम अभी नीचे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही बोल सकते हैं सुंदर किस्म का एक मंदिर है, वो भी आपको दिखाएंगे हम और फायरिंग रेंज तक भी लेके जाएंगे। तो चलिए पहले आपको हम नीचे की तरफ लेके चले। और ये हमारे देखिए क्या लोकेशन है, उस पानी के पास हम आपको ले जा रहे हैं, काफी दूर है और ये गड्ढा है थोड़ा सा, तो हम वहाँ पे आपको अभी लेके चल रहे हैं। चलिए अभी वहाँ तक चलते, चलिए आपको अभी हम दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ हो रही है। आइए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये सारी तैयारियाँ हो रही है। माफ करिएगा ये चिकन नहीं मटन है, और इसके साथ में है मछली और फिर एक मिक्स सब्जी है और फिर राइस है। तो अभी सारे के सारे लोग व्यस्त है, ये देखिए डांस। और ये है इस पिकनिक स्पॉट का फाइनल लोकेशन, सबसे पहले आप ये हमारा टेंट और फिर ऊपर पहाड़ पीछे उसके, और ये है वो खूबसूरत सी नदी। चलिए आपको मैं नीचे की तरफ थोड़ा ले जाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कैसा है, बस थोड़ा सा फिसलन है, बच के रहना है हमें भी। थोड़ी देर रुक जाइए मैं उतर के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, आपको आपको पानी का भी साउंड सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों अभी हम, आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे क्या खूबसूरत नजारा है। ये देखिए पूरा, देखिए आप जहाँ तक आपको दिख रहा है वो पूरा वहां से नदी का सोर्स है, नदी का सोर्स यहाँ पे अरुणाचल से आता है ये नदी, अरुणाचल से आती है ये नदी और यहाँ भूटान के तरफ बढ़ती जाती है। ये आप देखिए इस तरफ भी देखिए पूरा, हम उस पार जा रहे हैं, उस पार से फिर आपको इस पार का वीडियो जरूर दिखाएंगे। आप लोग जुड़े रहे हैं और प्लीज यार आप लोग सपोर्ट करें ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप लोगों को हम बनाते के दिखाते रहे। लेकिन उससे पहले ये देखिए आप मेरे सामने देखिए, लुक एट दिस, ये पानी का नजारा, और पानी इतना ज्यादा ठंडा है, इतना ज्यादा ठंडा है कि आपको फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, सच बता रहा हूँ। चलिए अभी अब आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं। आइए अब हम चलते हैं उस मंदिर की तरफ
सुरक्षा जिसकी सुरक्षा SSB करती है, 23वीं बटालियन। और ये रास्ता जो है उस मंदिर की तरफ जाता है और ये रास्ता SSB के द्वारा संरक्षित है। वो मंदिर आप देख रहे हैं और यहाँ से आपको ये मंदिर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा धूप की वजह से काला आ रहा है, लेकिन अभी अंदर हम जा रहे हैं उस मंदिर के, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं, ये बुद्ध टेम्पल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है बुद्ध टेम्पल जो कि 23वीं बटालियन के कैंप के पास है। और मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए, ये है भगवान बुद्ध का मंदिर। ये देखिए पूरा मंदिर बहुत ही क्लोजली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कारीगरी है। उफ, वाव। और अंदर की तरफ हम आपको फायरिंग रेंज की तरफ लेके चलेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। चलिए अभी फायरिंग रेंज की तरफ हम चलते हैं। ये आप यहाँ से देख रहे हैं, ये है फायरिंग रेंज जहाँ पे फायर किया जाता है। और ये फायरिंग के वजह से इसकी हालत एक गुफा जैसी हो गई, लेकिन कुछ नहीं है, बस वो फायरिंग करते करते वैसा हो गया। इसलिए देखिए ये हमारा खाना रेडी हो चुका है और सब लोग अभी खाना खा रहे हैं। ये सर हमारे खा रहे हैं इधर और ये सब लोग खा रहे हैं। हमने थोड़ा कम के खा भाई, और अभी मेरा बारी है, मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, तब तक फिर उसके बाद वीडियो बनाएंगे। चलो का खाना हो चुका है, थोड़ी देर में बर्तन धोएंगे, फिर हम अपने बस के साथ अपने ऑफिस के तरफ रवाना हो जाएंगे। ये थोड़ा सा फोटो खींच रहे हैं हम लोग, ये देखिए ये स्माइल कर देते हैं। फाइनली पिकनिक इज ओवर और अभी हम लोग निकल रहे हैं। बस स्टार्ट हो चुका है तो करीबन 5 बज रहे हैं और यहाँ से अभी 4 घंटे की जर्नी स्टार्ट होगी। करीबन 9 बजे हम अपने ऑफिस पहुंचेंगे, फिर वहाँ से अपने अपने घर को चलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए।